हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ई लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम, यानी द्विबीजपत्री पादपों का तने और एकबीजपत्री पादपों के तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए एक टिपिकल डाइकोट यानी प्रारूपिक, यानी जिसमें डाइकोट में पाए जाने वाले सभी संरचनाएं, ज्यादातर संरचनाएं मौजूद हों, और एक टिपिकल मोनोकोट की स्टडी करते हैं। टिपिकल डाइकोट के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो सनफ्लावर के स्टेम की लेते हैं, वो किसकी लेते हैं, सनफ्लावर। और मोनोकोट के अंदर जो हम स्टडी लेते हैं वो मेज की लेते हैं, यानी मेज के तने की आंतरिक संरचना और सनफ्लावर के तने की आंतरिक संरचना। दोनों ही तने के अंदर मेज का सनफ्लावर और मेज का जो तना है उसकी अनुप्रस्थ काट के ये दोनों जो हैं ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये भी ट्रांसवर्स सेक्शन है सनफ्लावर का और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है मेज का। दोनों के ट्रांसवर्स सेक्शन काट के हम इनकी एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम दोनों की एक दूसरे की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और अलग अलग स्टडी भी करेंगे, दोनों के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं और दोनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। तो दोनों द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप के तने की संरचना हमने दी है, ये दोनों डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं। ये जो डायग्राम है ये सनफ्लावर के तने का TS है, इसके अंदर जो डायग्राम है ये जो डायग्राम है यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने जो दिखाया है वो डायग्रामेटिक है, लाइन डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये मेज के तने का है, ये लाइन डायग्राम है किसके तने का, मेज के तने का लाइन है, डायग्रामेटिक आरेखी चित्र जिसको आप हिंदी बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये सेलुलर चित्र है, ये नीचे वाला क्या है, सेलुलर कोशिकी चित्र, और ये नीचे वाला एकबीजपत्री पादप का सेलुलर डायग्राम यानी कोशिकाओं को दिखाने वाला चित्र, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर, ऊपर वाले को बोलते हैं डायग्रामेटिक, है ना, रेखीय चित्र यानी रेखाओं के माध्यम से हम उसको दिखाते हैं। अब सनफ्लावर के तने के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, यहाँ देखिए ये रेखीय डायग्राम के अंदर आप देखिए सनफ्लावर के तने के अंदर सबसे बाहर की ओर होती है वो होती है एपिडर्मिस, तो इसको कहेंगे एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस। इसके बाद है ये हाइपोडर्मिस, ये है कॉर्टेक्स, ये जो लेयर है एंडोडर्मिस, ये है पेरिसाइकल, ये है फ्लोयम, ये कैम्बियम और ये जाइलम और ये पिथ, ये मेडुलरी रेज। इसी तरह से इधर देखते हैं हम ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल, और इस तरह से संरचना पाई जाती है। अब हम एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। द्विबीजपत्री पादप के तने के आंतरिक संरचना यानी टिश्यू TS कार्ड की जब हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इसके बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की, सिंगल लेयर किसकी होती है, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस कोशिकाएं सनफ्लावर के अंदर यहां पर आयताकार होती हैं, जीवित होती हैं, और उनके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे संख्या में मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, स्टेम हेयर्स या जिनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और ये जो संरचना है ये है स्टेम हेयर या ट्राइकोम भी इनको बोलते हैं। ये जो संरचना है ये भी स्टेम है, ये रेखीय डायग्राम में दिखाई है, ये मल्टी सेलुलर डायग्राम। उसी तरह से एक बीजपत्री पादपों के अंदर हम देखेंगे यहां भी एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमेटस है, लिविंग है, बाहर की तरफ दोनों में ही ये क्यूटिकल है जो कि क्यूटिन नामक रासायनिक पदार्थ की बनी हुई है, यहां पर भी ये क्यूटिकल है, ये द्विबीजपत्री है, यहां पर भी ये एक बीजपत्री है। तो एपिडर्मिस यहां है, ये लिविंग है, पैरेन्काइमेटस है। दूसरा देखिए दोनों की कोशिकाएं कैसी हैं, आयत जैसी है, यानी चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो दोनों के अंदर जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, आयताकार शेप की होती है। यहां देखिए एक डिफरेंस है, सनफ्लावर के अंदर मल्टी सेलुलर हेयर है, मेज के तने के अंदर जब मेजोर हो जाता है तो वहां पर हेयर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यंग तना है तो उसके अंदर हेयर भी होते हैं और कभी कभी इसके अंदर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। जब मेच्योर हो जाता है तो स्टोमेटा और ये संरचनाएं इसमें गायब हो जाती हैं। तो ये एपिडर्मिस हो गई डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। अब
दूसरी जो संरचना है एपिडर्मिस से नीचे वाला भाग, यानी ये वाला भाग और इसके अंदर ये वाला भाग, इसके अंदर ये वाला भाग, ये क्या है संरचना क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस। ये संरचना क्या है? हाइपोडर्मिस। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर, सभी के अंदर कॉमन नहीं है लेकिन सनफ्लावर के अंदर और अधिकांश के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है, यह हाइपोडर्मिस द्विबीजपत्री ने डाइकोट के अंदर, यह हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई होती है? कोलन कायमा की। कोलन कायमा का मतलब है स्थूल कोण उत्तक की बनी हुई। देखिए स्थूल कोण उत्तक है इसलिए हमने इसके किनारों पर मोटी भी किए। कोलन कायमा जो टिश्यू है उसकी विशेषता क्या है? ये मल्टी लेयर होता है और इसके साथ साथ क्या है, कोशिकाएं जीवित होती हैं और उनके किनारों पर जहां कोण मिलते हैं वहां कोणों के ऊपर क्यूटी, किसका? क्यूटीन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। यहां पर सेल हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन, यहां पर कोणों पर आके पैक्टिन बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थ का डिपोजिशन यहां पर हो जाता है। तो ये जो संरचना है ये कोलन कायमा कहलाती है और कोलन कायमा यहां पर मैंने दो बनाई है लेकिन ये बहुत अधिक लेयर होती है, 8 से 10 लेयर तक पाई जाती है। किसकी? कोलन कायमा की डायकोट स्टेम में, ठीक है। यहां पर ये जो दूसरी संरचना है ये संरचना है हाइपोडर्मिस, ये एक बीजपत्री पादपों के अंदर है। यह हाइपोडर्मिस एक बीजपत्री पादपों में या तो अनुपस्थित होती है और यदि होती है तो यह कैसी होती है? स्क्लेरल काइमेटस होती है। यह संरचना कैसी होती है? स्क्लेरल, ये जो टिश्यू है ये कैसा है? स्क्लेरल काइमा, यानी ये दृढ़ ऊतकीय है। लाल रंग का हमने दिखाया है और बीच में गोला दिखाया है, इसका मतलब डेड सेल्स है और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है कोशिका का ये पूरा का पूरा लाल रंग से भरा हुआ है, ये इसका मतलब ये मोटी भित्ति वाला टिश्यू है। इसको दे दी, भर दीजिए आप, इसको भर दीजिए। ये हो गया आपका दृढ़ ऊतक स्क्लेरल काइमा, ये इस तरह की कोशिकाएं होती है, इस तरह की कोशिकाएं होती है। तो ये स्क्लेरल काइमेटस होता है एक बीजपत्रियों में और द्विबीजपत्रियों में डाइकोट के अंदर होता है ये कोलन कायमा स्थूल कोण उत्तक, यहां होता है दृढ़ उत्तक स्क्लेरल कायमा, यहां पर भी स्क्लेरल कायमा है, ये मल्टीलेयर्ड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट संरचना है वो कोर्टेक्स जो कि डाइकोट के अंदर होता है, कोर्टेक्स डाइकोट के अंदर ये जो संरचना है ये कहलाती है कोर्टेक्स। ये यहां से लेकर यहां ये मृदु तक की होती है, पैरेन्काइमा होता है, लीविंग होता है और कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होता है। कोशिकाएं गोल अंडाकार शेप की होती हैं, आइसोडायमेट्रिक शेप की होती हैं, उनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, जीवित होती हैं। लेकिन यहां पर एक बीजपत्रियों के अंदर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस के अंदर यहां से लेकर यहां तक और इसके अंदर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। ये क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू। तो एक बीजपत्रियों में हाइपोडर्मिस के बाद जो पूरा अंदर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ग्राउंड टिश्यू, लेकिन द्विबीजपत्रियों के अंदर हाइपोडर्मिस से नीचे मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमेटस कोर्टेक्स पाया जाता है, थिन वॉल्ड होता है, लिविंग सेल्स होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि यहां पर कोर्टेक्स जैसी संरचना नहीं होती, पूरा का पूरा क्षेत्र एक जैसी कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिसको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू को हम बाद में लेंगे। डाइकोट के अंदर और अन्य संरचनाएं होती हैं। डाइकोट के अंदर एक और संरचना होती है जिसका नाम है एंडोडर्मिस। ये संरचना है एंडोडर्मिस। यह एंडोडर्मिस भी एक सिंगल लेयर होती है लेकिन इसकी कोशिकाओं की अगर आप आकार देखिए तो इसकी कोशिकाएं डंबल शेप की होती है, इस तरह की कोशिका, इस तरह की कोशिकाएं डंबल शेप ढोलक जैसी कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के अंदर पर्टिकुलर सनफ्लावर के अंदर
कोशिकाओं के अंदर स्टार्च भरा हुआ होता है, तो स्टार्च शीथ का काम करती है, लेकिन सिंगल लेयर होती है, लिविंग सेल्स होती है, ये एंडोडर्मिस होती है। यहाँ पर यानी मोनोकोट के अंदर एंडोडर्मिस जैसी संरचना कोर्टेक्स भी नहीं होता है, और एंडोडर्मिस इस तरह का डिफरेंशिएशन एक बीजपत्रियों में नहीं होता है। इसके बाद द्विबीजपत्री पादपों के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसका नाम है पेरिसाइकल। जिसका नाम क्या है? पेरिसाइकल। एक बीजपत्री यानी मोनोकोट्स के अंदर ये पेरिसाइकल जैसी संरचना भी नहीं होती। देखिए सनफ्लावर के अंदर पेरिसाइकल की एक विशेषता होती है कि पेरिसाइकल दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एक स्क्लेरेंकाइमा और दूसरा पैरेन्काइमा। पेरिसाइकल का वह भाग जो वैस्कुलर बंडल के पीछे स्थित होता है या वैस्कुलर बंडल के सीध में स्थित होता है, वह भाग स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ, वह किसका बना हुआ होता है? दृढ़ ऊतकीय होता है। लेकिन वह भाग पेरिसाइकल का वह भाग जो मेडुलरी रेज यानी इसके सामने वाला भाग है, ये वाला भाग तो मृदु ऊतकीय होता है और ये वाला भाग स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ ऊतकीय स्वभाव का होता है। तो पेरिसाइकल मल्टीलेयर्ड होती है और दो तरह के टिश्यूज की बनी हुई होती है। पेरिसाइकल द्विबीजपत्री पादपों के अंदर एक बीजपत्री पादप के तने के अंदर पेरिसाइकल जैसी संरचना अनुपस्थित होती है, टिपिकल टाइप के तने के अंदर। इसके बाद जो वैस्कुलर बंडल है वो हम एक बीजपत्री में डिस्कस करें तो एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये नया कॉर्टेक्स होता है, नया एंडोडर्मिस होती है, नया पेरिसाइकल होती है, बल्कि कोशिकाओं का पैरेन्काइमा मृदु ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है, और इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर संवहन पूल वैस्कुलर मंडल स्कर्टर टाइप के होते हैं एक बीजपत्री पादपों के अंदर। यहाँ पर द्विबीजपत्री पादपों के अंदर आप संवहन पूल की बात करें तो यहाँ पर जो संवहन पूल है द्विबीजपत्री डायकोट के अंदर जो संवहन पूल है वो आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, यहाँ भी आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संवहन पूल है वो एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, और यहाँ पर जो संवहन पूल है वो स्कैटर्ड होते हैं। और दूसरी व्यवस्था देखिए कि जो बड़े आकार के संवहन पूल है वो केंद्र की ओर होते हैं, यानी सेंट्रिपिट की ओर, केंद्र की ओर होते हैं, इस गोले को केंद्र है, तो यहाँ पर ये बड़े आकार के हैं और बाहर की ओर बाहर की ओर है वो छोटे आकार के होते हैं और संख्या में अधिक संवहन पूल होते हैं। यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े हैं वो सारे के सारे एक रिंग में व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर डायकोट का हो गया एग्जाम्पल रिंग, और यहाँ पर हो गया ये स्कटर टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक के वैस्कुलर बंडल की बात करें तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होगा वो कॉन्जॉइंट होता है। कॉन्जॉइंट का मतलब है ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये टिश्यू है फ्लोएम, ये टिश्यू है कैम्बियम, ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, इसको कहेंगे जाइलम, ये है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम ये है, इसको यहां लिख देते हैं मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो द्विबीजपत्रियों के अंदर और एक बीजपत्रियों के अंदर जो वैस्कुलर बंडल के अंदर जो संवहन पूल है वो संवहन पूल कॉन्जॉइंट होते हैं, यहां पर भी कॉन्जॉइंट अर्थात संयुक्त तो होते हैं, संयुक्त संवहन पूल वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या के ऊपर होते हैं। यानी जाए अगर आप यहां इसको सेंटर मान के लाइन खींचे रेडियाई बनाए तो जाइलम, ये जाइलम और ये फ्लोएम दोनों के दोनों एक ही त्रिज्या पर है, इसलिए ये कॉन्जॉइंट संयुक्त है ना, और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं, इसमें भी ये कॉन्जॉइंट टाइप के संवहन पूल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर कोलेट्रल होते हैं, यहां पर भी कोलेट्रल होते हैं, यानी एक फ्लोएम है जाइलम के अंदर वैस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम के साथ स्थित है, और यहां पर भी एक फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, तो ये जो कोलेट्रल है ये एक फ्लोएम
कोलेटरल वेस्कुलर बंडल डाइकोट के अंदर और इकोलेटरल वेस्कुलर बंडल मोनोकोट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल की विशेषता है वो द्विबीज पत्रियों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं, और ओपन का मतलब है कि यहाँ पर द्विबीज पत्रियों के अंदर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, इसलिए ये वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं ओपन तरह के, ओपन प्रकार के। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए ये होते हैं क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल, यानी बंद प्रकार के वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की व्यवस्था देखें तो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ, ये पॉइंट है ये अंदर की तरफ है, इसका मतलब है ये यहाँ एंडार्क होता है, और यहां पर भी ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो यहां पर भी कंडीशन एंडार्क ही होती है। तो दोनों मोनोकोट हो या डाइकोट, दोनों तनुओं के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है। इसके अलावा मोनोकोट के अंदर आप जाइलम की व्यवस्था देखें तो जाइलम एक वाई व्यवस्था में होता है, यानी संवहन पूल के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था देखें तो एक वाई आकार की व्यवस्था में होता है, जहां वाई की जो दो आर्म्स हैं उनके ऊपर मेटाजाइलम और नीचे वाले आर्म के ऊपर प्रोटोजाइलम होता है, और जहां पर तीनों जुड़ते हैं वहां पर क्या होता है फ्लोएम होता है। तो संवहन पूल के अंदर यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था है वो वाई शेप के अंदर होती है, किसके अंदर, ये मोनोकोट के अंदर। और ये जो पूरा का पूरा टिश्यू है, ये पूरा टिश्यू किसका बना हुआ है, मृदु ऊतक का बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल के अंदर एक विशेषता और होती है कि इसके संवहन पूल के चारों तरफ एक आवरण होता है जो कि दृढ़ ऊतकीय होता है। ये जो लाल रंग के टिश्यू दिखाया है ये स्क्लेरल कायमा है, और ये स्क्लेरल कायमा किसके चारों तरफ है, संवहन पूल के चारों तरफ है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं बंडल सीट। तो ये वेस्कुलर बंडल यहां हो गए बीबी, और ये वेस्कुलर बंडल यहां हो गए बीबी, और इन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये आवरण है किसका, स्क्लेरेंकाइमा का, जिसको कहा जाता है संवहन पूल आच्छाद या बंडल शीथ। इस तरह की संरचना, बंडल शीथ जैसी संरचना डाइकोट के अंदर नहीं पाई जाती है। डाइकोट के अंदर एक दो बातें और होती हैं, ये देखिए वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो टिश्यू है ये टिश्यू कहलाता है मेडुलरी रेज। ये टिश्यू क्या कहला जाता है, मेडुलरी रिज, जो कि मृदु ऊतकीय स्वभाव का होता है, पैरेन्काइमा का होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। और इस मेडुलरी रिज के अंदर अगर आप ये वाला भाग देखें तो ये वाला भाग है ये किसका है, पैरेन्काइमा का है, जो कि पेरिसाइकल का भाग है, क्योंकि हमने बताया कि पेरिसाइकल दो तरह के टिश्यू के, तो यहां वाली पेरिसाइकल पैरेन्काइमेटस है, और वेस्कुलर बंडल की बाहर वाली जो पेरिसाइकल है वो कैसी है, स्क्लेरल काइमेटस है। तो ये दोनों पेरिसाइकल है, और ये वाला टिश्यू है, ये एक टिश्यू का क्या है, मेडुलरी रेज है। मेडुलरी रेज के अलावा ये केंद्रीय भाग में ये जो टिश्यू है ये भी मृदु ऊतकीय, ये टिश्यू कैसा है, मृदु ऊतकीय, ये टिश्यू कैसा है, मृदु ऊतकीय, तो ये टिश्यू है मेडुलरी रेज, और ये वाला टिश्यू है पित्त, ये जो पित्त है ये भी मृदु ऊतकीय होती है, और ये हो गई, ठीक है। तो ये पिथ है, मल्टीसेलुलर है, ग्राउंड के केंद्रीय भाग में होती है, और ये जो पिथ है, पिथ की कोशिकाएं स्टोरेज कभी कभी रासायनिक पदार्थों का संग्रहण करती हैं। मेडुलरी रेज की सेल्स हैं, ये क्या है, लिटिल साइड में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती हैं। तो हाथ हमने दोनों जो स्टेम है, मोनोकोट का स्टेम और डाइकोट, ये हमने लिया है टिपिकल, यानी प्रारूपिक द्विबीजपत्री के अंदर किस तरह की संरचना होती है और एक बीजपत्री के अंदर किस तरह की संरचना होती है। इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे। थैंक यू।